Very good morning to my students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and safe at home and doing your work also. In the last video lecture, we have discussed exercise 2.2, two questions, question number 1 and 2. Today, we will discuss another two questions, question number 3 and 4. So, let us see. This is the chapter name polynomials, exercise 2.2. And today's work is question number 3 and question number 4. This is a statement of question number 3. Verify whether the following are zeros or not. सबसे पहली बात, zeros क्या होती है? आप इसको zeros भी कह सकते हो, आप इसको root भी कह सकते हो, ठीक है? कुछ भी कह सकते हो. Root क्या होता है? Root होता है equation का. और zeros word हम use किस में करते हैं? Polynomial में. दोनों का मतलब जो है बेटा वो सेम है कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो आपके पास क्या हो जाता है रूट हो जाता है और पॉलीनोमियल के केस में जीरोस का मतलब है कि उसको अगर हम पॉलीनोमियल में पुट करें तो आंसर जीरो आ जाए यहां पर तो इसका मतलब ये होता है इक्वेशन के केस में कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के और पॉलीनोमियल्स के केस में जीरोस का मतलब होता है कि जो आंसर है ना वो कितना आ जाए जीरो आ जाए जैसे कि हम इसको अभी क्वेश्चन में करके देखते हैं हमारे पास जैसे है px is equals to 3x plus 1 right यहां पे लिखा है x is equals to minus 1 by 3 ये इस पॉलीनोमियल की जीरो है या नहीं है हमें चेक करना है कैसे चेक करेंगे यहां हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे x की जगह पर हम क्या रख लिखेंगे minus 1 by 3 this is 3 minus 1 by 3 plus 1 3 से 3 cancel minus 1 plus 1 what is the answer answer is 0 right तो अगर answer 0 आ गया तो हम लिखेंगे yes x is equals to minus 1 by 3 is the 0 of polynomial right so zeros का मतलब ये होता है कि उसको अगर polynomial में हम put करें तो answer क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए अगर नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे no it is not the 0 of polynomial next एक part हम और देखते हैं this is 7th part इसमें दो values दी हुई है बेटा तो दोनों को हम turn by turn check करेंगे like first को हम check करते हैं minus 1 by root 3 this is 3 minus 1 by root 3 का square minus 1 ध्यान से देखिएगा 3 अब यहां पर है minus 1 by root 3 का square तो power 2 का मतलब क्या होता है 2 times multiply करना so minus 1 by root 3 minus 1 by root 3 minus minus plus 1 1's are 1 3 3's are 9 9 का क्या हो गया root so 1 by 3 कितना answer आया 1 by 3 क्योंकि 9 का root क्या होता है 3 तो यहां लिखेंगे 1 by 3 minus 1 so this is 1 minus 1 what is the answer 0 तो अगर 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे yes right अब next check करते हैं p 2 by root 3 so this is 3 2 by root 3 का square minus 1 this is 3 तो फिर से इसको check करते हैं 2 by root 3 का क्या करना है square करना है तो 2 by root 3 2 by root 3 2 2's are 4 and 3 3's are 9 तो कितना answer आएगा 9 का root 3 what is the answer 4 by 3 so minus 1 3 से किया 3 को cancel so 4 minus 1 कितना आया 3 तो 0 तो नहीं आया अगर नहीं आया तो this is not the 0 of polynomial remaining parts are same आपको खुद करने हैं so let's come to the next question this is the next question find the 0 of the polynomial देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको चेक करना था कि 0 है या नहीं है इस क्वेश्चन में आपको 0 निकालनी है ठीक है तो अब 0 आती कब थी 0 तब आती थी जब उसका आंसर कितना आ जाता था 0 अब इसमें अगर 0 फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे हम इस नंबर को 0 के इक्वल रख देंगे और सिंपली हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है
तो 2x is equals to minus 5, तो x कितना आ गया minus 5 by 2. वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, बट आपको एक वेरिफिकेशन भी सिखा रही हूँ कि अगर आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इस पॉलीनोमियल की क्या निकाली है, ये जीरो, राइट? अब पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये इसकी जीरो है, तो जब मैं इसको इसमें पुट करूंगी तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. सो लेट अस चेक. 2x plus 5, 2 into minus 5 by 2 plus 5, 2 से 2 कैंसिल, minus 5 plus 5, कितना आंसर आया, जीरो. इट मींस हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हमने ये कहा है कि x is equals to minus 5 by 2 इस पॉलीनोमियल की जीरो है, और है भी क्योंकि हमने चेक करके भी देख लिया है, राइट? तो वेरिफिकेशन आपको नोटबुक में नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो नेक्स्ट देखते हैं हम, px is equals to ax, और a एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब 2 3 4 500 एनीथिंग. सो वैसे ही करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखा, x हो गया 0 अपॉन a. अब जीरो के नीचे कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. अब आप लोग ये जरूर सोचोगे कि मैम ये क्यों दिया हुआ है कि a नॉन जीरो है. अब मान लीजिए अगर a जीरो हुआ तो डिवीजन बाय जीरो इन मैथमेटिक्स इज नॉट अलाउड. जैसे 1 बाय जीरो क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है ना. सिर्फ इसीलिए उसने आपको ये पहले ही बताया है कि a जीरो नहीं है, मतलब a जो है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस टाइप से है. तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा. तो ये देने का मतलब उसका सिर्फ यही है कि a एक नॉन जीरो नंबर है. तो अगर एक नॉन जीरो नंबर जीरो के नीचे है तो आंसर हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, cx plus d is equals to zero. इसमें भी आपको ये गिवन है कि c एक नॉन जीरो नंबर है. सो cx is equals to plus का d, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस d. तो x क्या हो गया, माइनस d अपॉन c. अब हम c से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि c कैसा नंबर है, नॉन जीरो. अगर जीरो होता तो नहीं कर सकते थे, तब आंसर क्या आता, नॉट डिफाइंड. सो अभी हमारा यही आंसर है, राइट? सो व्हाट इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द पार्ट्स इन योर नोटबुक. आई एम सेंडिंग अ पीडीएफ आल्सो इन विच सॉल्यूशंस आर देयर. टेक हेल्प फ्रॉम पीडीएफ, डू योर वर्क, टेक केयर, बाय बाय.